ये मुस्कुराता चेहरा अन्ना सित्ती का है, ये है शुभलक्ष्मी और इनका नाम है कुमारी। धागों से जाल बुनती ये उंगलियां हैं विजया की और ये प्यारी हैं। उम्र कम है लेकिन बातें कला में माहिर। पूरी तन्मयता से मैट बनाने के काम में लगी ये कनक है। ये सब अलग गांवों में रहती हैं, अलग समुदायों और संप्रदायों से आई हैं। इन लोगों की और इन जैसी तमाम और महिलाओं की जिंदगी में पिछले कुछ वर्षों में एक नई बात हुई है। सपने के एक नए पहलू से इनकी मुलाकात हुई है जिसके बाद इनके जीवन की दिशा ही बदल गई। हमारे देश के किसी भी राज्य की तुलना में दक्षिण प्रांत आंध्र प्रदेश में महिला समूहों की संख्या सबसे अधिक है। गौरतलब बात यह है कि यहाँ के पूर्वी गोदावरी जिले में महिलाओं के तकरीबन 70,000 स्वयं सहाय संगठन सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। इनमें अमलापुर डिवीजन में ऐसे संगठनों की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ फिलहाल 15,765 स्वयं सहाय संगठन सक्रिय हैं। ये आंकड़े एक नजर में सिर्फ कागजी लगते हैं लेकिन यहां गांवों में जाने पर पता चलता है कि यही वास्तविकता है। रोज रेल ఒకరికి రోజుకి 20 రూపాయలు ఎలా పెట్టుబడి ఎలా పెట్టుకుంటారు? ఉమ్మడి మీద పెడతాను. లాభం? లాభం అందరం సమానంగా తీసుకుంటాం. హ్యాపీగా ఉన్నారా? హ్యాపీగా ఉన్నాను. సంతోషంగా ఉన్నారా? సంతోషంగా ఉన్నాను. ఇంటి ఖర్చుకి కొంచెం ఖర్చు పెట్టుకుంటాం సార్. ఆ తర్వాత పిల్లల్ని స్కూల్లో చదువుకుంటున్నారు. మా ఇప్పుడు మేము చేసి వాళ్ళు అందరి పిల్లలు చదువుకుంటున్నారు సార్. ఆ చదువులకు కొంచెం ఖర్చు పెట్టుకుంటాం. మా ఇంటి ఖర్చులు ఏమన్నా బ్యాలెన్స్ ఉంటే బ్యాంకులో నిల్వ పొదుపు చేసుకుంటాం సార్. మాకు పెట్టుబడి పెట్టినాక మాలో ఒక ఎప్పుడు స్తోమత లేకపోతే మేము బ్యాంక్ నుంచి అప్పు తెచ్చుకుని దాని డోక్రా గ్రూపుల ద్వారా అప్పుగా తీసుకుని కూడా పెట్టుబడి పెట్టుకుని మళ్ళీ ఆ లోను ఈ పెట్టుబడి మీద తీసి ఆ లోన్ కట్టుకుని మళ్ళీ దాన్ని కూడా డెవలప్ చేస్తాం. పొదుపుల్లో డబ్బులు కూడా మేము కట్టించుకుని నెల నెల కానీ దాని మీద మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ కూడా తిప్పుతున్నాం సార్. 2 రూపాయల వడ్డీకి 2.5 వడ్డీకి అలాగా మా పొదుపులోంచి మేము తీసుకుని दूर तक फैली हरियाली
और नारियल के पेड़ों की कतार। पूर्वी गोदावरी जिले में जैसा नाम से जाहिर है, गोदावरी नदी और इसकी अन्य धाराएं यहाँ की जमीन को सींचती हुई समुद्र से जा मिलती हैं। अधिकांश लोगों की जीविका खेती बाड़ी पर आधारित है। आबादी का एक हिस्सा मछली के व्यवसाय में लगा है। जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, वे दूसरों के खेतों में काम करके गुजर बसर करते हैं। यहाँ के बाशिंदों के जीवन का संबल है गोदावरी, जिसके इर्द गिर्द इनकी जिंदगी चलती है। जिला मुख्यालय काकीनाडा आंध्र प्रदेश का एक मुख्य औद्योगिक केंद्र है। ये एक बड़ा शहर है जो लोगों को तमाम तरह के रोजगार उपलब्ध कराता है। ग्रामीण इलाकों में रोजगार के इतने साधन मौजूद नहीं हैं। एक तबका आसपास के उद्योगों में काम करके रोजी रोटी कमा रहा है, तो कुछ लोग अपने पारंपरिक पेशे से जुड़े हुए हैं। जीवन की इसी आपाधापी में पढ़ने लिखने की तरफ ध्यान देना या बच्चों को स्कूल भेजना लोगों की प्राथमिकता नहीं बन पाती। कुछ लोग अनजाने में और अधिकतर मजबूरी में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ये कुमारी है, जिसे बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। माँ के गुजर जाने के बाद कुमारी को दादा दादी के साथ रहने के लिए जगह तो मिली, लेकिन तीसरी कक्षा से आगे पढ़ाई नहीं हो पाई। पढ़ाई छूट जाने का दुख कुमारी को हमेशा सालता रहा। शिक्षा से वंचित रह गए कुमारी जैसे तमाम लोगों को साक्षर बनाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता अभियान ने पिछले दशक में कई कार्यक्रम शुरू किए। इसके साथ ही महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की मुहिम भी चलाई गई। फलस्वरूप लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ने लगी। निरंतर विद्या केंद्र द्वारा నేర్చుకున్నటువంటి చదువుని మర్చిపోకుండా ఇంకా ఎక్కువగా చదువు నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా నిరంతర విద్యా కేంద్రాల ద్వారా చిన్న చిన్న కథల పుస్తకాలు కూడా మనం ఇవ్వటం జరిగింది. ఆ చిన్న కథల పుస్తకాలు కూడాను పెద్ద పెద్ద అక్షరాలతో ప్రింట్ చేయించి మీ దైనందిన జీవితాల్లో మీ నిత్య జీవితంలో పనికి వచ్చేటువంటి విషయాల మీద ఒక కథ రూపేణ ఒక నాటిక రూపేణ తయారు చేసి ఇప్పించడం జరిగింది. శిక్ష కు గాం గాం తక్ పహుంచానే కే ఉద్దేశ్య సే राष्ट्रीय साक्षरता अभियान के तहत जिले में 942 सतत शिक्षा केंद्र यानी CEC और 135 नोडल केंद्र बनाए गए। स्थानीय समुदाय के लिए सतत शिक्षा केंद्र सूचना खिड़की की तरह है। पेंशन की योजना हो या सैनिटेशन की या फिर स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त इलाज, ये सभी जानकारी और सुविधाएं लोगों को केंद्र से मिलती हैं। इस तरह से समाज को जागरूक बनाने में केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। कुमारी ने इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दिया।
यहीं पर उसने पढ़ना लिखना सीखा है और समय मिलते ही वह किताबों के बीच पहुंच जाती है। 65 वर्ष की सीताम्मा नियमित रूप से केंद्र आती हैं और कभी कभी तो पूरी किताब एक दिन में पढ़ लेती हैं। केंद्र सभी उम्र के लोगों के लिए ऐसा मंच बन गया है जहां वे पढ़ना लिखना सीखने के साथ ही आपस में अपनी परेशानियों और अपनी उपलब्धियों को बांट सकते हैं। सतत शिक्षा केंद्र के संचालन की जिम्मेदारी प्रेरक और सहायक प्रेरक की होती है। स्थानीय समुदाय से चुने जाने के बाद इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। समय समय पर अन्य सरकारी संस्थाएं भी प्रेरकों को प्रशिक्षित करने में सहयोग करती हैं। अलग अलग हुनर में प्रशिक्षण लेने के बाद प्रेरक गांव के लोगों की सहायता करने में सक्षम होते हैं। सरकार के कार्यक्रमों को आम लोगों तक पहुंचाने में प्रेरक एक महत्वपूर्ण कड़ी है। नए कार्यक्रमों की जानकारी लोगों तक पहुंचाना और केंद्र में मिलने वाली सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए लोगों को प्रेरित करने की जिम्मेवारी प्रेरक की होती है। किसी खास मुद्दे पर बैठक बुलाई गई हो तो प्रेरक हर घर में जाकर खबर करते हैं। आज एक बैठक होनी है और स्वयं सहाय संगठन की सदस्य महिलाएं यहां आई हैं। चाहे किसी मुद्दे पर बात चल रही हो, बड़े ध्यान से सब समझने की कोशिश करती हैं। आत्मविश्वास से भरी ये महिलाएं अपने अधिकारों, अपनी जरूरतों के बारे में सवाल भी उठाती हैं। शिक्षा के अभाव में महिलाएं अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाती। घर परिवार से संबंधित मुद्दा हो या सामाजिक राजनीतिक मसला हो, किसी भी निर्णय में इनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाती। अपनी अज्ञानता के कारण ही ये लोग महाजन के जाल में फंसी रहती हैं। आज इनकी स्थिति में आए बदलाव की वजह इनका शिक्षित होना है। शिक्षा से इनकी सोच का दायरा बढ़ा है और बचत करने की उपयोगिता समझ आई है। समूह बनाने के लिए कम से कम 10 सदस्यों का होना जरूरी है। संगठित होने के बाद बैंक से लोन लेने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इस स्तर पर समूह को महिला सामाख्या के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। महिला सामाख्या के पास प्रत्येक समूह से संबंधित हर प्रकार की जानकारी होती है। ये संस्था एक तरह से मॉनिटरिंग का काम करती है। हर गांव में महिला सामाख्या की एक प्रतिनिधि समूहों की सहायता के लिए मौजूद रहती है। बैंक लोन से संबंधित कागजी कार्रवाई, संगठन के सदस्यों और इनके काम का ब्यौरा तैयार करने जैसे तकनीकी कामों में महिला सामाख्या की सदस्य इनकी मदद करती हैं। काबिले गौर है कि 90% मामलों में बैंक को ऋण का भुगतान समय पर हो रहा है और सफलता के इस मुकाम तक पहुंचाने में सबसे सक्रिय भूमिका महिलाओं की रही है। In the district is giving 1 crore rupees to the women. So average I am saying, in this 42 months, they have given 882 crores. And this year, we want to give them 450 crores. This also, we want to make ensure that every woman in a family should get 1 lakh rupees of loan. Not in a single amount, but ranging from 5,000
సెకండ్ టైమ్ షీ మే గెట్ 30,000, థర్డ్ టైమ్ దే మే గెట్ 35,000 ఆర్ ఫోర్త్ టైమ్ షీ మే గెట్ 50,000. బికాస్ అప్ టు 50,000 దేర్ ఇస్ ఎ సీలింగ్ ఇస్ దేర్ బియాండ్ 50,000 దే కుడ్ నాట్ గెట్ వితౌట్ సెక్యూరిటీ. అప్ టు 50,000 వితౌట్ సెక్యూరిటీ దే ఆర్ గెటింగ్ వితౌట్ ఎనీ సెక్యూరిటీ. సో ద అవర్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఈచ్ ఉమెన్ షుడ్ గెట్ 1 lakh rupees ఆఫ్ లోన్ ఫ్రమ్ ది బ్యాంక్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ స్పెల్స్ సో యాజ్ టు ఇంప్రూవ్ దేర్ ఎకనామికల్ స్టేటస్ ఇన్ అడిషన్ టు దేర్ నార్మల్ స్టాండర్ వర్క్స్ డన్ బై దేవర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మేల్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇన్ దేర్ ఫ్యామిలీ. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఎస్ఎస్జీ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ వీఆర్ ప్రౌడ్లీ సేయింగ్ దట్ దిస్ 882 crores ఇస్ నోవేర్ ఇన్ ది స్టేట్ ఆర్ నోవేర్ ఇన్ ది కంట్రీ అండ్ వీ కేమ్ టు నో సమ్ ఆఫ్ ది స్టేట్స్ ఆర్ నాట్ డూయింగ్ దేర్ టోటల్ అమౌంట్ ఇస్ లెస్ దాన్ ది వాట్ అవర్ ఈస్ట్ గోదావరి ఈస్ డూయింగ్ ఇస్. सभी स्वयं सहाय संगठन आज किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ चुके हैं, चाहे बास्केट बनाने का काम हो या सिलाई कढ़ाई करना हो या फिर नारियल के रेशे से तैयार रस्सी से मैट बनाने का काम हो. अपने कामों में माहिर होने के साथ ही इन महिलाओं को अब नाप तौल की बारीकियों से लेकर खरीदारों से मोल भाव करना बखूबी आता है. काम कितना भी कठिन हो ये पीछे हटने वाली नहीं है. स्वयं सहाय संगठन की महिला सदस्यों को अलग अलग हुनर में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सके. यहां भी इनकी सहायता के लिए सतत शिक्षा केंद्र प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करते हैं. मुक्कामाला गांव में किसानों के क्लब ने महिला समूहों को यह जगह काम करने के लिए दी है. यहां समूहों की सदस्य महिलाएं बातिक पेंटिंग और कढ़ाई का काम करती हैं. इनके काम की खासियत ही है कि सामान बेचने में मुश्किल नहीं होती. स्थानीय बाजार की दुकानों में ही उनका माल आसानी से बिक जाता है. समूह की बैठक चल रही है, सामान बेचा जा चुका है, पैसे मिले हैं तो हिसाब किताब लिखा जाना भी जरूरी है. बैंक को लौटाने की रकम अलग करके बाकी पैसों का बंटवारा हो रहा है. मेहनत का फल सबकी मुट्ठी में है और चेहरों पर है मुस्कान. मैं माँ पापल चदूल की इपड़ कुछ बात चदूकुनी वाल के पाई चदूल चदिवेंच गलगुतना मैं वाल के यामना नेर्पें चालेंटे मुंद के वेल नेर्पें चको गलगुतना मैं इन तक मुंदे ते वाल यादरक पंपिंच रखा पोया माँ जेवना पद बावन ना तरवाता मैं माल आल व्यादरक पंपिंच ही मैं मेरे इधे एडली बात चदू कौन्टे ने नंते ना चदिवेंच गलनो उपर मान परिस्थिति बावन द कदा इन बेतिक फिनला जेरना का अंजे गलत. समूह के प्रत्येक सदस्य को प्रतिदिन के हिसाब से कम 25 रुपए की आमदनी होती है. इस आत्मनिर्भरता ने इनके व्यक्तित्व को एक नई पहचान दी है. बंड़ी
ఇలా పువ్వులు తీసుకొచ్చి ఇది కావాలంటే ఇది, ఈ రకం కావాలంటే ఈ రకం కుట్టమనేసి ఇస్తారు, నచ్చి ఇస్తారు. దాన్ని బట్టి మేము ఆయనకి ఎలా కావాలో అలా కుట్టేసి మేము అప్పచెప్తాం. శుభలక్ష్మి స్కూల్ కి బచ్చోం కే లియే ఖానా బనానే కా కామ్ కర్తీ హై, లేకిన్ ఖుద్ కభీ స్కూల్ నహీ గయీ. आज जिस खूबी से शुभलक्ष्मी बैंक का काम करती हैं, कौन कह सकता है कि ये कभी अपना नाम भी नहीं लिख सकती थी. शिक्षा हमें जागरूक बनाती है अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति और अपने परिवेश के प्रति भी. गोदावरी जिले में साक्षरता और स्वयं सहाय संगठन की मुहिम का असर बच्चों के नियमित स्कूल जाने पर भी पड़ा है. बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई है. रोजाना स्कूल जाने के साथ ही पढ़ाई में उनकी रुचि भी बढ़ी है. शिक्षा के साथ ही जिला साक्षरता समिति ने अन्य सरकारी संस्थाओं के सहयोग से एचआईवी एड्स के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम शुरू किया है. इसके लिए मंडल साक्षरता अधिकारी मेडिकल रिसोर्स पर्सन के रूप में काम करते हैं. सारी गतिविधियों का संचालन सतत शिक्षा केंद्र से ही होता है. పూర్తిగా ఈ వ్యాధి నుంచి మనందరం బయటపడగలుగుతాం. దే కేమ్ అండ్ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ దిస్, వాట్ ఈస్ హెచ్ఐవి అండ్ వాట్ ఈస్ ఎయిడ్స్, ఈస్ దేర్ ఎనీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హెచ్ఐవి అండ్ ఎయిడ్స్ ఆర్ ద సేమ్. దేర్ ఆర్ సో మెనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ దే ఎక్స్ప్రెస్. ఐ క్లియర్డ్ దెమ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఐ టోల్డ్ దెమ్ అబౌట్ హెచ్ఐవి అండ్ ఎయిడ్స్, హౌ ఇట్ అకర్స్, హౌ ఇట్ నాట్ అకర్స్, and what are the precautions we take, is there any medicines, they asked. No medicines, only prevention is the cure. HIV AIDS के मुद्दे पर जब गांवों में मीटिंग की जाती है तो समुदाय के स्त्री पुरुष एक साथ हिस्सा लेते हैं. बीमारी के कारण और इससे रोकथाम के उपाय की जानकारी पता करने में संकोच की कोई बात नहीं है, ये समझ इन लोगों को है. महिलाएं भी आपस में इस विषय पर सहजता से चर्चा करती हैं. స్వేంగు ద్వారాగా కూడా ఎయిడ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. రక్త మార్పిడి వల్ల కూడా బ్లడ్ ఎయిడ్స్ గురించి హెచ్ఐవి పరీక్ష చేయించుకుని దాన్ని అప్పుడు బ్లడ్ వేయించుకుంటే ఏం కాదు. అందుకని ఇప్పుడు మనం ఎవరైనా సరే పిల్లల గురించి, మన గురించి, మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళని కాపాడుకోవాలంటే మనం సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది. అందరూ సురక్షితంగా బాగుంటారు, మన దేశం బాగుంటుంది. సెక్స్లో కూడా కండోమ్ ఉపయోగించి कुमारी ने कम उम्र में लंबा सफर तय किया है. 19 वर्ष की उम्र में पढ़ना लिखना सीखा, कढ़ाई और कपड़े पर पेंटिंग करना सीखा और अपनी आमदनी से अपनी और अपने दादा दादी की जिंदगी को संवारने की कोशिश कर रही हैं. నా భవిష్యత్తుకి కావాల్సింది చూసుకుంటా. అమ్మకి బట్టలే కొని, నాన్నకి బట్టలు కొని, నాకు నేను కొనుక్కుని అదే చెవులీలు బంగారం చేయించుకుందాం అనుకుంటున్నాను. బట్టలే కొనుక్కుని చీరల మీద పెయింటింగ్ వేసుకుంటున్నాను, మిషన్ నేర్చుకున్నాను, నా కాళ్ళ మీద భవిష్యత్తుపై నిలబడుతున్నాను. కనక దుర్గా హో, శుభలక్ష్మి హో, కుమారి హో, चाहे प्यारी हो, पद्मा हो या सीता मां, इन्होंने अपने जीवन की धारा खुद बदली है.
राष्ट्रीय साक्षरता अभियान ने शिक्षा की आवश्यकता को रोजगार के साधन मुहैया कराने से जोड़ा। उद्देश्य यही था कि अधिक से अधिक लोगों को साक्षर बनाया जाए। आर्थिक आत्मनिर्भरता से आत्मविश्वास जगा है। जिस नए भविष्य की ओर इन्होंने कदम बढ़ाया है, उस पथ को बनाने का काम सतत शिक्षा केंद्र ने किया है। जिन्होंने कल मौका गंवा दिया था या मजबूरी में शिक्षा से वंचित रह गए थे, आज अवसर मिलते ही उन्होंने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाकर इसे हासिल किया है। अगर कुछ पाना है तो रोशनी की तरफ एक कदम खुद बढ़ाना पड़ेगा आगे जाने के लिए।